और ऐसा हर सामान के साथ होगा तो क्या होगा आपके पास जब जरूरत से ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी जरूरत से ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी तो क्या करेगा आपका फ्री मनी को सक कर लिया जाएगा एक्स्ट्रा मनी को या फ्री मनी को सक कर लिया जाएगा बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स तो आपके पास ऑब्वियस ही बात है वो लोग एक्स्ट्रा ब्याज में होगा इंडस्ट्रीज अपने क्या करेंगी क्या करेंगी आपकी इन्फ्लेशन को क्या करेंगी फिर उसकी वजह से आपके पास डिमांड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी डिमांड कम हो जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है आपका इन्फ्लेशन खुद ब खुद कम हो जाएगा दूसरा होता है आपके पास जब इन्फ्लेश आपका इन्फ्लेशन जो होती है मैंने बताया कि जरो से कम भी बहुत ख़तरनाक है अब अगर आपका इन्फ्लेशन बहुत कम होगा तो क्या होगा देखो ध्यान से सुनना आपका जो बैंक आर होता है वो फ्री मनी को क्या करेगा फ्री मनी को बढ़ाएगा फ्री मनी को बढ़ाएगा क्या करेगा ध्यान से देखना इंटरेस्ट रेट को क्या करेगा इंटरेस्ट रेट जो है फ्री मनी को बढ़ाना है तो कम कर दिया जाएगा अब इंटरेस्ट रेट जब कम हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है जो बैंक्स हैं, उनसे जुड़े हुए हैं आपके इंस्टीट्यूशंस और लोग इंडस्ट्रीज और लोग पीपल अब उनको भी क्या होगा ब्याज दर कम देना पड़ेगा जब ब्याज दर कम देना पड़ेगा तो उनके पास थोड़ी फ्री मनी एक्स्ट्रा बच जाएगी मान लो आपका पॉइंट फाइव का अंतर आया तो चार सौ रुपये एक्स्ट्रा बच गए या पाँच सौ रुपये हजार रुपये एक्स्ट्रा बच गए वो हजार रुपये उसके यूटिलाज जाएंगे काम पे तो ये आपके पास होता है इन्फ्लेशन को आपका जो है कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी का नाम होता है मॉनिटरी पॉलिसी दो में आपके पास एक कमेटी बनाई गई उसका नाम था एम पी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ठीक है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी तो आपका उर्जित पटेल जो डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आर बी आई थे उस समय मतलब बाद में वो गवर्नर भी बने उनकी कमेटी थी उर्जित पटेल कमेटी और उर्जित पटेल कमेटी के अंतर्गत जो है आपके पास एम बनी छह मेंबर्स हैं सिक्स मेंबर्स हैं और इसमें जो है आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी हैं तीन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं और तीन आपके पास किसके हैं तीन इसके आरबीआई के हैं तीन गवर्नमेंट के तीन आरबीआई के हैं और जब आपका इन्फ्लेशन के साथ खेलना होता है तो आरबीआई और गवर्नर खेल लेते हैं समझ में आया ना अब क्या है तीन गवर्नमेंट के भी हैं तो गवर्नमेंट का भी उसमें क्या रहेगा होल्ड रहेगा बट नो वीटो वीटो नहीं होगी इसमें ठीक है भाई साहब तो इसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अब मॉनेटरी पॉलिसी को ये डिफाइन करते हैं ठीक है अलग अलग रेट्स होते हैं जिनके बारे में हम आरबीआई में पढ़ेंगे रेपो क्या होता है रिवर्स रेपो क्या होता है बट कुल मिला आपको ब्याज का पता होना चाहिए अब हम बात करते हैं आपके पास इन्फ्लेशन के टाइप्स ठीक है आपके पहले करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ठीक है पहला इन्फ्लेशन होता है कोर इन्फ्लेशन कौन सा होता है कोर इन्फ्लेशन देखो भाई साहब आपका वेस्टर्न कंट्रीज में आपका कोर इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है कोर इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है आपके पास ठीक है यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज में तो क्या होता है आपके पास जब आपका फ्यूल आपका इन्फ्लेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द आइटम्स ये क्वेश्चन एपीएफसी एग्जाम में पूछा गया है कि वॉट डू मीन बाय कोर इन्फ्लेशन तो इन इन्फ्लेशन एक्सेप्ट इन्फ्लेशन एक्सेप्ट किसको छोड़कर एनर्जी एंड फूड एनर्जी एंड फूड तो आपके पास ऊर्जा और खाद्य पदार्थों के उसको छोड़कर जो भी इन्फ्लेशन होती है जैसे आपका डीजल प्राइसेस हो गई है ना पेट्रोल प्राइसेस हो गई खाद्य के सामान के हो गए उसको प्राइसेस को छोड़कर जो इन्फ्लेशन होगी उसे हम कहते हैं आपका कोर uh, इन्फ्लेशन दूसरा होता है आपके पास ध्यान से सुनिएगा दूसरी होती है आपके बॉटल नेक अभी बॉटल नेक इन्फ्लेशन क्या होती है बच्चों पूरा लेक्चर देखते रहना आराम से समझते रहना बॉटल नेक इन्फ्लेशन क्या होती है बॉटल नेक इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आपके पास सप्लाई साइड में गड़बड़ हो जाए किसमें गड़बड़ हो जाए सप्लाई साइड ठीक है सप्लाई साइड में इशू हो जाए और आपका सप्लाई ना हो पाए तो ऑब्वियस ही बात है डिमांड गड़बड़ाएगी और आप लोग बोलेंगे कि यह सामान तो आपूर्ति हो नहीं पा रही है तो वो मांगेंगे और जब मांगेंगे तो उसकी पूर्ति नहीं होगी तो ऑब्वियस ही बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उसे हम कहते हैं आपके पास कौन सी इन्फ्लेशन आपका उसे कहते हैं हम लोग बॉटल लेकिन इन्फ्लेशन तीसरी होती है इन्फ्लेशन टैक्स देखो भाई इन्फ्लेशन जो होता है ना वो आपका करेंसी को इरोड करता है करेंसी को इरोड करता है मान लो आपके पास सौ रुपए का नोट था आज से दस साल पहले जो बच्चे जानते होंगे सौ रुपए का नोट काफ़ी वैल्यू रखता था आज की डेट में सौ रुपए का नोट कुछ भी नहीं होता पहले जमा आज से दस साल पहले पाँच सौ के नोट की तो बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी स्टूडेंट लाइफ में आज की डेट में पाँच सौ के नोट का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है तो आपके पास जो इन्फ्लेशन हो आपके पास जो करेंसी की वैल्यू होती है इन्फ्लेशन होने की वजह से हर साल आपके इन्फ्लेशन होगा तो आपके पास क्या होगा इरोड होगा क्या होगा इरोड होगा करेंसी की वैल्यू तो आपके पास क्या हो गया आपका इसे हम कहेंगे आपके पास कौन सा इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन टैक्स अब देखो ध्यान सुनना एक क्वेश्चन आपका एपीएफसी में और आया था उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या कहते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम याद रखिएगा इन्फ्लेशन प्रीमियम इन्फ्लेशन प्रीमियम का मतलब क्या होता है देखो इन्फ्लेशन से ना जो आपके बॉरोवर्स होते हैं क्या होते हैं बॉरोवर्स होते हैं उनको बेनिफिट होता है बॉरोवर्स आर बेनिफिटेड बॉरोवर्स आर बेनिफिटेड ठीक है बॉरोवर्स को बेनिफिट होता है क्योंकि आपके पास उनको जो है एक्चुअल में जितना ब्याज पे करना था या इतना जितना उनको अमाउंट ब्याज के साथ जोड़ के हजार मान लो उसने उसने उधार लिया और प्लस उसमें सौ रुपये इंटरेस्ट लगा अगर उस पर ग्यारह सौ रुपये पड़ रहा है वो ग्यारह सौ रुपये भविष्य में जब वो पे करेगा टोटल तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो गया उसको बेनिफिट हुआ मान लो आज से दस साल पहले किसी ने एक लाख रुपये लोन लिया था अब उस पर क्या हो रहा है मान लो जो ब्याज पड़ा टोटल जो ब्याज पड़ा अगर आपका आठ के हिसाब से वो दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट में तो देखो दस साल पहले आपका जो एक लाख की वैल्यू थी प्लस जो उसका टोटल ब्याज है उससे जो सामान आ सकता था वो आज की रेट में क्या है उससे वो सामान नहीं आ सकता तो जितना आपके पास उसको फायदा हुआ उसे बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेशन आपका प्रीमियम ठीक है अगला होता है अगला होता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग अब देखो मान लो कोई कंपनी है उसको दो सौ का बेनिफिट हुआ बट उसमें आपके पास इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं है तो आपके पास क्या प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन इज नोन एज आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन फ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन इज नोन है इनफ्लेशन आफ्टर एडजस्टिंग आपके पास प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन इज नोन एज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ये बात आपको याद रखनी है अब इसमें हमारे पास और आपके पास पैरामीटर्स होते हैं किस तरीके से आपके पास इन्फ्लेशन को नावा जाता है डब्ल्यू पी आई होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसके बारे में हम कल बात करेंगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना सो दैट्स ऑल टुडे इन द वीडियो जय हिंद जय भारत